जल्दी मेरी मदद करो, मुझे और मछलियाँ पकड़ने जाना है। होश में तो हो, इस तूफान में नहीं जा सकते, नामुमकिन। तूफान को गोली मारो, आज तो हमारी किस्मत खुल गई है। लगता है सारा समंदर मछली से भरा है। समंदर हमेशा मछलियों से भरा होता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब लगता है जैसे हर मछली पर हमारा ही नाम लिखा है। वो देखो, क्या तुमने उसे देखा? मेरी बोट कहाँ है? वो कितना बड़ा था। नहीं, मेरी बोट। मेरी फैमिली एक्सप्लोरर्स हैं, पीढ़ियों से यही करते आ रहे हैं। औरों की दिलचस्पी होती है चांद तारों में, और हमारी है समंदर की गहराई में। समंदर में अनगिनत खतरे हैं, और इन्हीं खतरों से खेलना हमारा शौक है। एक्सप्लोरर फैमिली की तौर पर हम एक्सप्लोर करते हैं द डीप। कर क्या रहे हो? ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ट्रेनिंग? वो भी एक फिश को? हाँ। और किस लिए? चीजें लाने के लिए। तुम अपने फिश को चीजें लाना सिखा रहे हो? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है। ये हमारी जरूर काम आएगी। कैसे एंट? बोलो कैसे? वो नहीं पता फाउंटेन, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ट्रेनिंग होने के बाद ये हमारी जरूर काम आएगा। फिश की मेमोरी सिर्फ 3 सेकंड की होती है। ऐसे में तुम इसे ट्रेनिंग देने में कामयाब हुए भी तो भी वक्त आने पर ये सब भूल चुका होगा। ये सच नहीं है, ये सच हो ही नहीं सकता। मेरे फिश पर भरोसा रखो। तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ, अभी दिखाता हूँ, मूड पूल में उतर जाओ। चलो ठीक है, लेकिन अगर फेल हुए तो तुम्हें मेरे ताने सुनने पड़ेंगे। चलो, यही मौका है जेफरी। तुमने अपने फिश का नाम जेफरी रखा है? इस पे ध्यान मत दो जेफरी, ये हमें कभी समझ नहीं पाएगी। अब जाओ ले आओ, जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या अब मैं बाहर निकलूं? एंड मैं तुम्हें और तुम्हारे जेफरी को और फेल होते हुए नहीं देख सकती। तुम तो फिर से डर गई। क्या चल रहा है? मैं अपने फिश को ट्रेन कर रहा हूँ। कुछ सीख तो रहा नहीं? तुम इन चीजों से अपनी बहन को दूर ही रखा करो एंट, और तुम्हें फिश पर भरोसा रखना चाहिए फाउंटेन। वैसे डैड कहाँ है? वो स्टडी रूम में पुराना मैप देख रहे हैं। हमारे पास लेटेस्ट मैप्स हैं। हाँ मैं जानता हूँ। हमारे पास सैटेलाइट मैप्स हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने हैं। फिर तुम इन मैप्स में क्या ढूंढ रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ। अगर मानो या न मानो, इस मैप के कुछ हिस्से काफी हद तक अचूक हैं, और कुछ ऐसे भी निशान हैं जो बताते हैं ड्रैगन्स यहाँ हैं। विल, पर ये पुराना मैप है। एक हफ्ते पहले ग्रीनलैंड तट पर भूकंप आया था, तब से वहाँ कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। अजीबोगरीब से क्या मतलब है तुम्हारा? डरावना खूंखार राक्षस और एक फिशिंग बोट भी गायब है। ये देखो, ये रहा मैप में वो इलाका। पर मैं सोच रहा था, क्या वहाँ सच में? सच में क्या? ड्रैगन्स है? Yes! मुझे शक है वहाँ ड्रैगन्स नहीं होंगे। इसी शक को तो दूर करने हम सबको जाना चाहिए। अच्छा तो हम ग्रीनलैंड जा रहे हैं ड्रैगन्स को ढूंढने। क्या नॉर्मल फैमिलीज भी संडे को यही करती है? छोड़ो भी, ड्रैगन्स। पहुंच गए क्या? एंड मैंने अभी 2 मिनट पहले ही तुम्हें बताया था कि ग्रीनलैंड पहुंचने में वक्त है। इसका मतलब इतने वक्त में मैं तुम्हें जगह की जानकारी दे सकता हूँ। 1734 में। क्या डैड, इंटरेस्टिंग ड्रैगन्स की बातें छोड़कर आपने तो हिस्ट्री की किताब खोल दी। 1734 में ग्रीनलैंड के तट पर कुछ देखा गया था। ग्रीनलैंड की राजधानी हैंस एगेडे के फाउंडर और उनके जहाज पर सवार लोगों ने उस विशाल जहाज से भी बड़े समुद्री सांप को देखा था। इतिहास में ऐसे समुद्री राक्षसों के दिखने का जिक्र है। यही नहीं, लॉस्ट लेमुरिया की खोज करते वक्त मेरे मॉम डैड ने भी उनका सामना किया था। सच में? मुझे ये नहीं पता था। रुक जाइए। क्या हुआ?
मैंने वहाँ कुछ देखा, उसके करीब ले चलिए। हम ढूंढ क्या रहे हैं? मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, पर रुकिए वहाँ। वो क्या है? शायद यही वो लापता फिशिंग बोट है। हम अब भी ग्रीनलैंड के तट से 20 किलोमीटर दूर हैं। ये बोट यहाँ कैसे आई? पता नहीं, पर क्यों ना पता लगा कर आते हैं। इस बार ये सूट तुमने कैसे पहन लिया? याद है ना पिछले हफ्ते तुम भी गहरे समुद्र में रंग बिरंगी शंख देखने गई थी? वो बस मामूली शंख थे। तो अब मेरी बारी। तैयार हो मेरे दोस्त? अपने फिश को भी साथ ले जा रहे हो? इसे प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन ट्रेनिंग के वक्त इसकी प्रैक्टिस तो हो चुकी है। अब बस भी करो, मेरे फिश पर भरोसा रखो। कुछ दिखा? कुछ भी नहीं सिवाय इस फिशिंग बोट की, जो जहाँ से गायब हुई थी वहाँ से कोसों दूर है। और अजीब बात तो ये है, बोट का आधा हिस्सा गायब है और वो अब भी फिश से भरा है। मैं और करीब जाके देखता हूँ। पर ध्यान से एंट। वो क्या है तुम्हारी बाई तरफ? लगता है जैसे कोई दांत है। मुझे लगता है अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए एंट। हाँ, मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन जेफरी थोड़ा घबराया है। एंट, इसी वक्त कहाँ से निकलो। बिल्कुल भी हिलना मत एंट। एंट, कुछ कहो तो। हाँ, अचानक इस सूट में गर्मी बढ़ गई। मछलियां पकड़ने का इससे अच्छा तरीका हमने पहले कभी नहीं देखा। अगर तुम वहां गए तो लौट कर नहीं आओगे। समुद्री राक्षस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ओ, मैंने उसे देखा है। मैंने अपनी जवानी में उस शैतान को काफी नजदीक से देखा था। वो इतना बड़ा है कि आपकी बोट को भी निगल सकता है।